देश के मिसाइल मैन, सादगी के उच्च आदर्श एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कल 27 जुलाई को शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके जाने से पूरा देश शोकमय है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी व आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से लेकर क्या खास क्या आम, हर कोई उनको याद कर रहा है। आज शिलांग से उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली लाया गया। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर ले जाया गया, जहां पर सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे सके। रामेश्वरम में कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी व आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने एवं पतंजलि योगपीठ परिवार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर गहरा दुख जताया। पतंजलि योगपीठ परिवार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का खास लगाव और प्यार था। पतंजलि योगपीठ के कार्यों से प्रभावित होकर 9 दिसंबर 2006 को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पतंजलि योगपीठ में पधारकर भ्रमण किया और संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के आग्रह पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने राष्ट्रपति भवन में योग शिविर भी लगाया था। आइए देखते हैं इस महानायक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पतंजलि योग पीठ यात्रा के कुछ खास पल। नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मिशन 220 लुक्स फॉर हेल्प फॉर ऑल, हेल्प फॉर नाउ इज व्हाट ट्रेडिशनल मेडिसिन। नॉर्मली इंडियंस फेमस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आचार्य जी, स्वामी जी, दे आर वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, सो इट विल बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर अवर। वैदिक प्राचीन विधाओं को, विद्याओं को वैज्ञानिक आधार देने का हमारा प्रयास और ये संकल्प कि हम योग और आयुर्वेद सहित भारत की परंपरागत चिकित्सा विधाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न जो कर रहे हैं और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ साथ जेनेटिक रिसर्च करने का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को बल मिला महामहिम राष्ट्रपति के पतंजलि योगपीठ आने से। योग और आयुर्वेद की इस विधा से उन सब असाध्य रोगों का उपचार होता है, यह हमने करके दिखाया है। आयुर्वेद का हमने उसमें सपोर्ट लिया तो वो सारे की सारी उपलब्धियां पतंजलि योगपीठ के, जब महामहिम ने उनको श्रवण किया तो उन्होंने महसूस किया कि हमारी इन चिकित्सा विधाओं में इतना कुछ है जो और दूसरी चिकित्सा विधाओं से पॉसिबल नहीं था, वो इसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है। तो उनसे जब प्रश्न ने जाते जाते प्रश्न भी पूछा कि आप अपने मिशन 2020 के परिप्रेक्ष्य में पतंजलि योगपीठ और भारत की इन प्राचीन चिकित्सा विधाओं को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए आरोग्य।